नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट FW Taylor, यानी वैज्ञानिक प्रबंध। FW Taylor का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। किसी भी विषय को वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय के पास वैज्ञानिक पद्धतियाँ हों। एक महान विद्वान है एलवुड, उनका कहना है कि जितना महत्व प्राकृतिक विज्ञानों में टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का है, उतना ही महत्व या उतना ही उपयोग सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धतियों का है। तो आज कुछ हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है, जिससे आप नाम से समझ जाएंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, FW Taylor के क्या विचार हैं संदर्भ में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का है लेक्चर आपके स्नातक के पाठ्यक्रम पर आधारित है। कोर्स कोड है UGPA 101 और आज ये उसकी यूनिट 8 है। इससे पहले 1 से लेकर के 7 यूनिट तक के सभी लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और लोक प्रशासन की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं या किसी थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं, सपोज दैट हम FW Taylor को आज यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं, और जब हम क्लासिकल थिंकर पढ़ेंगे, अगर आपके पाठ्यक्रम में होगा तो हम उसे ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे, तो क्लासिकल थिंकर्स में हम FW Taylor को दोबारा पढ़ेंगे, वहाँ भी हम यही थ्योरी उनकी दोहराएंगे। तो बस अंतर इतना रहेगा, वहाँ पर हम इनके जीवन है, जो इनकी बायोग्राफी है, उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, इनके बुक्स हैं उस पर हम बात करेंगे, और यहाँ हम सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं टेलर से लेकर के वेबर को, मतलब जो टेलर से शुरुआत हुई है क्लासिकल थ्योरी की, और मैक्स वेबर तक हम क्लासिकल थ्योरी में इनके विचारों को पढ़ते हैं। तो ये हमारी पहली थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और इसका जो दौर था वो था औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक दौर था, 18वीं शताब्दी के लास्ट और 19वीं शताब्दी के शुरुआत का समय है, जब FW Taylor ने अपना ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जब भी हम किसी थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं या उसके हम विचारों को पढ़ते हैं, उसकी विचारधारा को पढ़ते हैं, तो हमें उस टाइम पीरियड का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम उसे आज की डेट के संदर्भ में पढ़ेंगे, आज के समय के संदर्भ में उसको रख करके देखेंगे, तो हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और टॉपिक हमें उतना समझ में नहीं आएगा। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट यूज बाई लुइस ब्रांडिस इन 1910। 1910 में जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले यूज़ किया था लुइस ब्रांडिस ने, क्योंकि इस टर्म को FW Taylor ने कॉइन नहीं किया है, उन्होंने इसको व्यवस्थित तरीके से समझाया है, बताया है और इसका एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। तो इस टर्म को कॉइन करने वाले हैं लुइस ब्रांडिस और एक कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं FW Taylor। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहले लुइस ब्रांडिस ने यूज़ किया था। अब जब भी हम किसी थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, उसका जीवन परिचय हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि FW Taylor कौन थे। तो FW Taylor वॉज बोर्न इन जर्मन टाउन इन पेंसिल्वेनिया, जर्मनी के थे, एंड 20 मार्च 1856 में इनका जन्म हुआ था। ही रिसीव्ड एजुकेशन इन फ्रांस एंड जर्मनी। ही ऑल्सो रिसीव्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ होबोकेन, न्यू जर्सी। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो दौर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था तो उसकी डिमांड थी, तो बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर थे, हमें ये ध्यान रखना है। एट द एज ऑफ 18 ही ज्वाइंड द एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया एंड सर्व्ड एज अप्रेंटिस फॉर 4 ईयर्स। 4 वर्ष तक इन्होंने एज अप्रेंटिस वर्क किया है इंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया में, और उसके बाद इन 1878 ही वेंट टू वर्क
एट मिडवेल स्टील कंपनी एज अ लेबरर एंड ही बिकेम द चीफ इंजीनियर ऑफ दैट कंपनी इन 1884। मिडवेल स्टील कंपनी में एक श्रमिक के तौर पे कार्य करना प्रारंभ किया था एफ डब्ल्यू टेलर ने, और इसी कंपनी में अपने कार्यों के अनुभव के आधार पर, अपने श्रेष्ठ कार्य के आधार पर वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंचे थे। नेक्स्ट है, ही बिकेम जनरल मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी इन 1890। इन 1893 ही ओपेंड एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क एज अ कंसल्टिंग इंजीनियर। तो ये उनके बारे में थोड़ा सा विवरण था, ताकि हम इनके विचारों को समझने से पहले बैकग्राउंड में इसको जानना जरूरी था कि ये कौन थे, बाई प्रोफेशन कौन थे, क्या करते थे। तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये ध्यान में रख करके हम अब इनके विचारों को समझेंगे। द मेजर राइटिंग्स ऑफ टेलर, उनके कुछ रिसर्च पेपर थे, बुक्स थी, उनके नाम आपके सामने है। 1895 में अ पीस रेट सिस्टम, उसके बाद शॉप मैनेजमेंट 1903, और द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये है 1906 में, और सबसे फेमस इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। इस बुक से इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ये मेजर राइटिंग्स हमने देख ली हैं। अब आते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। तो थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल पे बात करने से पहले आप समझ लीजिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, फैक्ट्रीज लगी, प्रोडक्शन का कार्य वहाँ शुरू हुआ, तो भारी भरकम कहीं मेटल काटना है, लोहा काटना, इस तरीके के काम हुआ करते थे शुरुआत में। तो उसमें क्या था कि एफ डब्ल्यू टेलर ने अपने, जब एज लेबरर इन्होंने ज्वाइन किया कंपनी को, तो देखा वहाँ जो श्रमिक काम करते हैं वो काम करने का कोई व्यवस्थित ढंग नहीं है। कोई कुछ भी काम कर रहा है, और कार्य तो उनको दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे, लेकिन उसका कोई बेस्ट मेथड वो नहीं अपनाते हैं, और जो भी श्रमिक थे वो अपनी पद्धति अपनाते थे, यानी अपने तरीके से वो कार्य करते थे। मैनेजमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था, मैनेजमेंट बस उनको आदेश देता था, आदेश देने के बाद वो आलसी हो जाते थे और उन पर ध्यान नहीं देते थे, काम कैसे करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं और किस श्रमिक को किस कार्य में लगाना है, सारी चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव था। तो ये पाया कि श्रमिक काम खुद से शुरू करते थे, जब उनका मन होता था, जितनी देर मन होता था कार्य करते थे, और जिस तरीके से अपने अपने, इवन वो अपने घर से वो टूल्स यानी उपकरण, जो औजार होते थे, वो भी अपने घर से अपने साथ लाते थे। जैसे मेटल्स को काटने का जो हथियार है, या कहीं मिट्टी खोदना है, तो वो अपने घर से ही सारे उपकरण लेकर के आते थे। उनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, कोई मानकीकरण नहीं था। तो ये सारी कमियाँ एफ डब्ल्यू टेलर को वहाँ पर महसूस हुई, जिस वजह से उन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। एफ डब्ल्यू टेलर का कहना है कि सही कार्य विज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता है। सही कार्य विज्ञान का मतलब ये होता है कि सबसे बेस्ट तरीका, किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, यदि उसे अपनाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी जो कार्य क्षमता है लोगों की उसमें भी सुधार होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कंपनी को इससे फायदा होगा। तो सबसे पहले जो कार्य करना है उसको साइंटिफिकली और इफेक्टिव तरीके से कैसे अच्छा कर सकते, क्या किसी भी काम करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, उसको अगर अप्लाई किया जाए तो कंपनी को फायदा होगा। तो पहला प्रिंसिपल यही है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। नेक्स्ट है द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, यानी जो कार्य करने वाले वहाँ श्रमिक थे, उनका जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिकली होना चाहिए और उनकी उसके बाद ट्रेनिंग होना चाहिए। यहाँ पे मतलब ये है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का सिलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा टेलर मानते थे। और आज भी आप देखते होंगे, अगर टेलर के हम सिद्धांतों को अपने संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते होंगे, तो वहाँ अपनाया जाता है तो उसका आउटपुट बेहतर ही रहता है। तो पहले कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था सिलेक्शन का, ऐसे ही मजदूर रख लिए जाते थे, शारीरिक तौर पे कुशल हैं, कार्य करने लायक हैं, उनको रख लिया जाता था। टेलर ने इसको गलत माना है, ये कहा है कि उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर उसकी
एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता को वो फुलफिल करते हों, एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हों, और साथ ही साथ जब उनका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए तो उनको ट्रेंड करना, जिस काम को उन्हें कराना है कुछ महीनों की या कुछ वर्ष की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे कोई डायरेक्ट काम पर नहीं बुला के रखा जाना चाहिए। तो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, ये उनका सेकेंड प्रिंसिपल है एफ डब्ल्यू टेलर का। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द साइंस ऑफ वर्क एंड द साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेंड मैन। अब सबसे पहले जब हमने बात की ट्रू साइंस ऑफ वर्क, तो जब साइंस ऑफ वर्क की बात हम करते हैं उसी को कहते हैं कि सही कार्य विज्ञान जो हमने विकसित किया है कि कार्य को कैसे हम किस तरीके से करें कि वो बेहतर प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, तो बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, तो वो जो साइंस ऑफ वर्क की बात करते हैं उसको, और जो सेकेंड प्रिंसिपल है साइंटिफिकली सिलेक्टेड मेन, तो उनको एक साथ लाना, यानी जो साइंटिफिकली सिलेक्टेड किए गए लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जब हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, जो व्यक्ति सही है उपयुक्त है उस कार्य के लिए उसको लाएंगे और हम सही कार्य विज्ञान विकसित करेंगे, कार्य करने का तरीका क्या बेस्ट हो सकता है, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कंपनी को उसमें प्रॉफिट होगा। ये जो प्रिंसिपल्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं और ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन से ज़्यादा रिलेटेड हैं, व्यापार से ज़्यादा रिलेटेड हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स टेलर ने बताई हैं वो हर जगह लागू होती हैं, अगर हम प्रशासन में भी लागू करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। तो यहाँ जो बातें होंगी प्रोडक्शन की होंगी, प्रोडक्टिविटी की होंगी, मेटल की होंगी, आप उस टाइम पीरियड को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको पढ़िएगा। तो लास्ट है द डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। लास्ट प्रिंसिपल कहता है एफ डब्ल्यू टेलर का कि मैनेजमेंट एंड वर्कर, यानी जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं कंपनी में उनके, और जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो कार्य का विभाजन है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि ये कार्य श्रमिक का है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कार्य मैनेजर का है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बहुत ज़रूरी है। जब एफ डब्ल्यू टेलर ने ज्वाइन किया था उस कंपनी को तो उन्होंने देखा था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो उन्हें सिर्फ आदेश देना पसंद होता है, वो स्वयं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, यानी कंपनी के प्रोडक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें श्रमिकों को एकत्रित करके काम बांट देना है और अपना आराम से बैठ जाना है, उसके बाद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते थे, उनको कार्य करना ढंग से नहीं सिखाते थे, प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं किया जाता था, जो गाइडेंस ज़रूरत थी लेबरर को उसका वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। तो ये बात कहते हैं यहाँ पे एफ डब्ल्यू टेलर कि डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है वर्कर की उतनी ही मैनेजमेंट की भी है, तो मैनेजमेंट को सही करने की बात कहते हैं बार बार एफ डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स ऑफ टेलर, यानी जो अदर कंसर्न्स थे और उनकी जो बातें थी, जो चिंताएं थी जिसको लेकर के, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ सब एक लिस्ट है, कई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि प्रोडक्शन से संबंधित है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, फैक्ट्री पर ही लागू होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो फोर प्रिंसिपल के अलावा एफ डब्ल्यू टेलर बात करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि मानसिक क्रांति। अब ये क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर का मानना था वो ऐसा नहीं कि श्रमिक के विरोधी हैं या मैनेजमेंट के विरोधी हैं, उनका ये मानना था कि जो मेंटल रेवोल्यूशन है, मेंटल रेवोल्यूशन में सभी की समृद्धि, श्रमिक भी खुश, कंपनी का भी प्रॉफिट होगा और मैनेजर भी, जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन बढ़ेगा इनकम ज़्यादा होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उससे वो उनकी सैलरी बढ़ाएंगे या बोनस देंगे अतिरिक्त, तो प्रॉफिट सभी का होगा, श्रमिक भी खुश रहेंगे, उनकी इनकम बढ़ जाएगी और उन्हें लाभ होगा। तो यहाँ पर वो बात करते हैं आपसी सौहार्द की, कि आपस में मिलकर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए और श्रमिक अपना कार्य ढंग से करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्शन होगा, कंपनी की समृद्धि होगी, तो सभी खुश होंगे और सभी खुश होंगे तो काम अच्छे से होगा और आउटपुट भी बेहतर ही होगा। इसको उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। फंक्शनल फोरमैनशिप,
ये कॉन्सेप्ट फंक्शनल फोरमैनशिप का ये सुपरवाइजर्स को लेकर के है। अभी आप इसी के बाद जब हेनरी फ्योल को पढ़ेंगे तो आपने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, हो सकता है आपको जानकारी हो, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल उनके पढ़ेंगे, और साथ साथ में उसी में आप पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, जो 14 प्रिंसिपल की मैंने बात की, आदेश की एकता। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि एक व्यक्ति को एक ही सुपरवाइजर से या अपने वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होना चाहिए, यानी एक ही से आदेश मिले, यानी कि कई लोग उसको आदेश दे रहे हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। इसके जस्ट अगेंस्ट F.W. टेलर का मानना है कि जो फोरमैनशिप है, सुपरवाइजर है, वो एक श्रमिक 8 सुपरवाइजर के अंडर में काम करे, उसके ऊपर 8 सुपरवाइजर निरीक्षण करने के लिए हो, ताकि वो सही से कार्य कर सके। यहाँ पे पॉजिटिव हम क्या सोच, पॉजिटिव इसको ऐसे ले सकते हैं कि उनका ये मानना था कि 4 सुपरवाइजर पॉलिसी मेकिंग यानी प्लानिंग का काम करेंगे, तो प्लानिंग का काम 4 सुपरवाइजर को दे दिया, और एग्जीक्यूशन यानी उसको जो लागू करने का कार्य है उसके 4 सुपरवाइजर अलग बनाए। 4 लोग सुपरवाइजर होंगे, वो प्लानिंग बनाएंगे, बताएंगे कैसे काम करना है, और उस कार्य, उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए 4 सुपरवाइजर अलग हैं, जैसे गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, स्पीड बॉक्स है, ये सारी आप बुक में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो 8 पर्यवेक्षकों की बात करते हैं F.W. टेलर, एक श्रमिक 8 पर्यवेक्षकों के अंडर में काम करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो असुविधा होगी वो अपने उसी बॉस यानी उसी पर्यवेक्षक से जाकर के मिल लेगा, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेगा और समस्या वहीं पर दूर हो जाएगी। तो जब आप फ्योल को पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, ये इसके जस्ट अगेंस्ट है। तो यहाँ पे 8 सुपरवाइजर्स की बात करते हैं, इसी को फंक्शनल फोरमैनशिप का नाम दिया है F.W. टेलर ने। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि F.W. टेलर ने देखा कि श्रमिक अपने हिसाब से कार्य करते थे, उनका जो मेथड था, जो बेस्ट मेथड हो सकता था, वो कोई बताता नहीं था, वो स्वयं अपनाते थे किस तरीके से काम करना है, मेटल कैसे काटना है, और वो उपकरण भी अपने साथ ही लाते थे, जो औजार हैं वो घर से लेकर के आते थे। तो यहाँ पे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, सपोज अगर हम टूल चेंज करके, औजार बदल के उसको और अच्छा औजार वहाँ पे दें और अच्छी मशीन का प्रयोग करें, तो वहाँ पे तेज़ी से काम हो सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे फावड़े का प्रयोग जो करते थे मजदूर, तो उसका जो पकड़ने वाला हत्था होता है, हाथ से पकड़ने वाला, उसके टेलर ने देखा कि लंबाई बहुत ज़्यादा है, अगर उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उसकी क्षमता कार्य करने की मजदूर की बढ़ जाएगी। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, यानी जो औजार है उनका मानकीकरण, इसकी बात करते हैं टेलर। लास्ट में है क्रिटिसिज्म। जब भी कोई थ्योरी हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसकी आलोचना भी करते हैं, सिद्धांत जो और सिद्धांतकार हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो उसकी आलोचना करते हैं, लोग भी करते हैं। तो F.W. टेलर की भी थ्योरी की आलोचना हुई है, लेकिन इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। आज भी बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स टेलर से लेते हैं और उनको अप्लाई करते हैं अपने संगठन में, उससे हमें लाभ होता है। तो क्रिटिसिज्म कुछ बिंदुओं को हमने इसमें शामिल किया है, जैसे पहला है कंपेयरिंग ह्यूमंस टू एंटी सोशल मशीन्स। जब टेलर को आप बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉप वॉच इसका यूज़ किया गया है, स्पीड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इस तरीके से स्टडी की कौन कितनी देर में कार्य कर सकता है। जैसे एक प्रयोग किया F.W. टेलर ने कि एक मजदूर, अगर उससे हम 2 घंटे कार्य कराते हैं, फिर उसको हम आधे घंटे का एक ब्रेक दे देते हैं, तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है कार्य करने की, तो अगले जो फिर 2 घंटे कार्य करेगा तो उसकी क्षमता उतनी हो जाएगी जैसे पहले 2 घंटे में कार्य किया। अगर हम उसे वो रेस्ट नहीं देते हैं, लगातार कार्य कराते हैं, तो उसकी क्षमता कम होगी और काम की स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर जो अभी आप मानवीय संबंध सिद्धांत पढ़ेंगे, एल्टन मेयो को पढ़ेंगे, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट ऐसा मानते हैं कि टेलर की जो थ्योरी है वो एंटी सोशल है, क्योंकि मनुष्य कभी मशीन नहीं हो सकता, उसकी असामाजिक मशीनों से तुलना नहीं की जा सकती है, उसको मशीन की तरह ना बताया गया है, घड़ी रख करके काम कराया गया है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। मनुष्यों में घुल मिल कर काम करने की आदत होती है, अगर उन्हें हम अलग कर देंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करने देंगे, सामाजिक माहौल नहीं रहने देंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी
कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और इसके विपरीत परिणाम आएंगे, ऐसा ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट का मानना है। तो इस पर, इस बिंदु पर आलोचना की जाती है एफ डब्ल्यू टेलर की कि ह्यूमंस को मशीन के साथ कंपेयर किया गया है। अ वर्कर इज अ रैशनल इकोनॉमिक बींग हु इज मोटिवेशनल बाई रिम्यूनरेशन, एफ डब्ल्यू टेलर का मानना है कि हम जैसे पीस रेट सिस्टम, अभी हमने बात की थी, उनका पेपर था पीस रेट सिस्टम, उन्होंने रेट अलग अलग रख दिया कार्य की, कि जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा उस हिसाब से उसके रेट डिसाइड कर दीजिए, तो ज़्यादा प्रोडक्शन जिसकी वजह से होगा उसको ज़्यादा भुगतान किया जाएगा, ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी। तो बोनस जैसा लागू कर दिया, तो लोगों में ये हो गया कि मैक्सिमम हम काम कर लें, तो एक टारगेट सेट कर दिया गया कि अगर हम वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमें पूरा पूरा रिलीज हो जाएगा, अदरवाइज जो फिक्स मिलता है उतना ही मिलेगा। तो एफ डब्ल्यू टेलर का मानना था कि जो मनुष्य है वो आर्थिक चीज़ों से, यानी कि वो धन से प्रभावित होता है, अगर उसकी हम आय बढ़ा देंगे, उसको हम लालच दे देंगे कि पर यूनिट आपको ज़्यादा पेमेंट होगा, अगर आप इतना इतने यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो रिम्यूनरेशन की जो बात की गई है इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया है एफ डब्ल्यू टेलर को कि मनुष्य कभी भी आर्थिक चीज़ों से ही प्रभावित नहीं होता है, सामाजिक तत्व और उस जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो वहाँ का परिवेश है उससे भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है द सोशल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ मैन वर नेग्लेक्टेड। जैसे मैंने अभी बताया कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मैन इज सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, तो उसको हम समाज से अलग रखकर सिर्फ हम पैसे का या डर का माहौल बना करके उससे कार्य नहीं ले सकते हैं, एक इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर टेलर ने यही अपने थ्योरी में दिया है कि उसको लालच देकर, उसको पुरस्कार देकर या फिर डर से काम करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लोगों ने इस पॉइंट पर इसकी, टेलर की आलोचना की है, सोशल साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हैं मनुष्य के वो नेग्लेक्ट किए गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी में। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डिड नॉट पे अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर किया गया प्रयोग है, एक स्टडी है। एफ डब्ल्यू टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, एज अ लेबरर उन्होंने काम करना शुरू किया था एक श्रमिक के रूप में, और आगे वो इंजीनियर बने, मैकेनिकल इंजीनियर बने। तो उनका जो हम इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली सरकारी प्रशासन है, इसमें लागू ठीक वैसे ही जैसे टेलर कहते हैं वैसे ही लागू नहीं किया जा सकता है, यहाँ से प्रोडक्शन की बात नहीं होती है, तो केवल प्रोडक्शन से ही चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि एफ डब्ल्यू टेलर ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, संगठन की संरचना क्या हो सकती है, और भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया है, ये एक कमी है। और ट्रेड यूनियंस और इवन मैनेजर ने भी इसका विरोध किया, जो प्रबंधक वर्ग था उसने भी विरोध किया, श्रमिकों ने विरोध किया उनकी इस थ्योरी का, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रही थी, मैनेजर भी नाराज़ थे, श्रमिक भी नाराज़ थे, और जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट हैं, समाज के लोग हैं, वो भी आलोचना करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर की। हालांकि आज की डेट में अगर हम इनकी टेक्निक्स मैनेजमेंट की, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर उसको अपनाते हैं तो संगठन को लाभ होता है, और आज भी ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कई विषयों में हम इनको पढ़ते हैं। तो उतना ही, अब जब इन्होंने अपने सब्जेक्ट, जब एफ डब्ल्यू टेलर ने अपनी राइटिंग्स, अपनी बुक्स लिखी होंगी, तो इनको ये नहीं पता होगा कि हम आने वाली कई पीढ़ियाँ हमको पढ़ेंगी और हम थ्योरिस्ट के नाम से हमारी थ्योरी पढ़ी जाएगी। उन्होंने अपने सिर्फ अनुभव, जो उन्होंने देखा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने अपना बताया, उसी पे अपने पेपर्स लिखे, किताबें प्रकाशित कराई, और उनकी थ्योरी आज हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसको पॉजिटिव भी लीजिएगा, और क्रिटिसिज्म के बाद जब हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो हम टेलर का फिर से उल्लेख करेंगे, जहाँ कई बार हो सकता है एफ डब्ल्यू टेलर का जिक्र हो, तो इनको यहीं तक नहीं रखना है, आगे कम तुलना करते समय भी ध्यान में रखना। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।